जी गुड गुड आफ्टरनून। ये बताइए कि लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था आप लोगों ने? सर मोशनल ईएमएफ बाय फराडेज। सर लास्ट क्वेश्चन आपने कंपोनेंट्स लेके जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था वो कराया था, जो साइन कंपोनेंट लिया था उस पे बेस क्वेश्चन किया था या सिर्फ मैंने मेथड बताया था? सर आपने मेथड बताया था कि फिर हमें कंपोनेंट्स लेने होते हैं अगर एंगल दूसरा हो। ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्वेश्चन है कि आपका वी शेप्ड ऐसा वायर है, ऐसा वी शेप्ड वायर, और इस वी शेप्ड वायर को आप वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हो, और ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा। इस वाले पार्ट की भी लेंथ एल है और इस वाले पार्ट की भी लेंथ एल है, एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन व्हाट? That is directed into the plane, magnetic field into the plane directed. आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि what would be the EMF induced? इस frame में EMF कितना induced होगा? ठीक है? इस frame में, let me call this frame as P Q R. इस frame में what would be the EMF induced? तब इस frame में EMF कैसे निकालेंगे? यहाँ पर भी motional EMF induced होगा क्योंकि wire है और आप उसको v velocity से move करा रहे हो। तो मोशनली ईएमएफ ही इंड्यूस होगा। अब ये मोशनली ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, कैसे इंड्यूस होगा, इस बात को समझने के लिए आप देखिए इस पूरे पार्ट को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। अब देखो इसको आप क्यू आर को अलग कर दो, ये क्यू आर वाला पोर्शन अलग कर दो, और ये वाला जो एंड है उसका वी वेलोसिटी आपने दिया हुआ है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। अब एक बात बताइए कि यहां पर वेलोसिटी थीटा एंगल पे है विद द लेंथ ऑफ द वायर, तो मोशनली ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? सर होगा।
ऑब्वियसली बात है मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा ये इंड्यूस होने के लिए वी विल हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। यस सर। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट जो होगा दैट वुड बी पैरेलल टू दिस वायर, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द वायर। और हमें मालूम है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ मोशनल ईएमएफ। तो इस केस में इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी साइन थीटा। ये एक पार्ट का आ गया। हमने टोटल को निकालने के लिए ना हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो एक पार्ट का हमने निकाल दिया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ये वाला, दिस इज ऑल्सो गोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ वी एंड इट इज ऑल्सो मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा हियर। तो इस v का वो कंपोनेंट करो सच दैट के आई गेट वन कंपोनेंट परपेंडिकुलर एंड वन कंपोनेंट आई गेट पैरेलल टू द वायर। ये वाला जो वायर है दिस वायर इज PQ, सो द कंपोनेंट व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू द वायर विल ऑब्वियसली बी v sin थीटा। ये v sin थीटा जो होगा ये परपेंडिकुलर टू द वायर होगा। अब इसमें भी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट ईएमएफ विल आल्सो बी इक्वल टू BLV sin थीटा, है ना। इसका भी फॉर्म वैल्यू BLV sin थीटा आएगा, मतलब अल्टीमेटली दोनों पार्ट में द सेम मोशनल ईएमएफ इज इंड्यूसिंग। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मोशनल ईएमएफ का डायरेक्शन निकालना बताया था। वो डायरेक्शन निकालने का तरीका था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन सीखा था, मोशनल ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो हम निकालते हैं बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो अगर यहाँ पर फिलिमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओगे आप तो PQ में और QR में, याद रखना मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को आप प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v sin थीटा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। जो वेलोसिटी है वो v sin थीटा है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ v sin थीटा। फर्स्ट फिंगर को आप रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपकी जो सेंटर फिंगर की डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन बताएगी। तो आप देखो तो इसमें करंट की डायरेक्शन किधर आ रही है दोनों वायर में, PQ में भी देखो और QR में भी देखो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, P से Q या Q से P? सब P से Q। सबको समझ में आ रहा है? यू प्लेस योर थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ V sin थीटा। आप अपने थंब को V sin थीटा की डायरेक्शन में रखिए और अपने फर्स्ट फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, तो आपका जो सेंटर फिंगर की डायरेक्शन आएगी वो फ्रॉम P टू Q आएगी PQ वाले वायर में, और QR वाले वायर में इट विल बी फ्रॉम Q टू R। देखो करके आया सबका? यस सर। इसका मतलब है कि दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम आएगी, इसमें भी और इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम है दोनों में। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को हम दो सेल की तरह ट्रीट कर सकते हैं जिसमें करंट की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन को, ये वाले डायग्राम के बाद ये सॉल्यूशन का पहला डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम, अब इसके बाद देखो मैं तीसरा डायग्राम बना रहा हूँ कि इसको भी मैं एक सेल की तरह ट्रीट कर सकता हूँ ऐसे, और इसको भी मैं सेल की तरह ट्रीट कर सकता हूँ ऐसे। ये भी BLV sin थीटा है और ये भी BLV sin थीटा है। आपसे मैं ये सवाल करूं कि ये सीरीज में या पैरेलल में है तो क्या कहेंगे आप लोग, ये दोनों सेल कैसे कनेक्ट है? तो सीरीज में है सर। सीरीज में है। सीरीज में, तो सीरीज में नेट ईएमएफ क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीएलवी sin थीटा। ये आपका आंसर आएगा इसका, ये आंसर नोट करिए।
डन सर। सबने कर लिया? यस सर। यस सर। चलिए और क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपसे बोला जा रहा है यू शेप ऐसा फ्रेम है, कंडक्टिंग फ्रेम, एंड दिस इज अ मूवेबल पार्ट ऑन दिस कंडक्टिंग फ्रेम एंड दिस मूवेबल पार्ट इज पी। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्टेड। इस पी क्यू जो मूवेबल पार्ट है उसका लेंथ एल है एंड यू वॉन्ट टू मेक इट मूव विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। यू वॉन्ट टू मेक इट मूव विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी। ठीक है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी। सवाल क्या है? सवाल ये कि फाइंड एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड ऑन पी क्यू टू मेक इट मूव with constant velocity। तो आपको कितना external force चाहिए so that ये constant velocity से चल सके। You need to find out the external value of force which is required to be applied on this PQ to make it move with constant velocity। Question note करो। क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस सर। अब देखिए मेरी बात समझिए, एक मिनट बच्चों। देखिए मेरी बात समझिए, यहाँ पर सबसे पहली बात कि PQ को आप मूव कराएंगे तो आपको फोर्स की जरूरत क्यों है टू मेक इट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इस बात को समझ। देखो होगा क्या कि ये जब वायर PQ मूव करेगा ना, ये जब वायर PQ मूव करेगा तो इसमें मोशनल EMF इंड्यूस होगा, मतलब करंट इंड्यूस होगा। और मैं एक चीज और लिखना भूल गया था, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, मान लीजिए रेजिस्टेंस ऑफ PQ इज आर ओम। रेजिस्टेंस मान लीजिए इसका आर ओम है। तब देखो होगा क्या कि जब आप PQ को मूव कराएंगे तो इसमें मोशनल EMF इंड्यूस होगा। और मोशनल EMF की वैल्यू क्या होती है? तो मोशनल EMF की वैल्यू होती है BLV। तो अगर मोशनल EMF इंड्यूस हुआ तो करंट भी इंड्यूस होगा। करंट की वैल्यू क्या होगी? EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। EMF को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, मतलब क्या करिए, BLV को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए BLV। ये इतना करंट इंड्यूस होगा एंड व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट? इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी सर? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? आप देखो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी अपवर्ड। ये करंट की डायरेक्शन होगी सर। चलो मैं राइट हैंड रूल यूज करके देखो, ये करंट की डायरेक्शन होगी। अब देखो होगा क्या, जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा, दिस वायर इज केप्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जैसे ही इसमें करंट इंड्यूस होगा वैसे ही इस पे क्या लगेगा? इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसमें करंट इंड्यूस हुआ तो जैसे ही करंट इंड्यूस होगा तो इस पे क्या लगेगा? इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? तो इस पे करंट इंड्यूस हुआ अपवर्ड। अब आपको मालूम है ना कि किसी भी करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखिए, किसी भी करंट कैरिंग वायर को आप कहां रखिए बच्चों? आप किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है या नहीं लगता है बेटा? यस लगता है। तो जाहिर सी बात है इस पर भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। एंड वट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हो। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके मुझे बताओ तो कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी इस वायर पे? सो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेरी गुड। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो इस पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा दैट वुड बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इधर आएगा मैग्नेटिक फोर्स। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके देखिए, मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही समझना है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स जैसे ही लगेगा तो ये वायर की वेलोसिटी को क्या करेगा? ये वायर की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फोर्स लगा
तो ये वायर की वेलोसिटी को क्या कर देगा, वायर की वेलोसिटी को डिक्रीज करना शुरू करेगा. और आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो टू मेक द वायर मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यू वांट टू मूव द वायर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फोर्स उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है. तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू अपोज दिस फोर्स और अपोज दिस मैग्नेटिक फोर्स. और इस मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करने के लिए व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू विल हैव टू अप्लाई अ फोर्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दिस फोर्स. नहीं आया, आप क्या करेंगे, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाएंगे ना, ताकि आप किसको अपोज कर सकें, तो आप इसको अपोज कर सकें किसको, मैग्नेटिक फोर्स को. तो आप मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करने के लिए यू विल एक्सर्ट अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा आपका, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे, वो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ही तो लगाएंगे, बिकॉज आपको वायर की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रखनी है. अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो गया तो वायर एक्सलरेट करने लगेगा. बट आपने बोला है कि सर आपको वायर को कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, तो आप एक्सटर्नल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा नहीं लगा सकते और कम भी नहीं लगा सकते. कम लगाओगे तो वायर तो मूव ही नहीं करेगा. तो ना तो ज्यादा लगा सकते हो ना तो कम लगा सकते हो, इक्वल लगा सकते हो, है ना. आपको इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो आपको इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा. तो इक्वल फोर्स लगाने के लिए मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स. तो एक्सटर्नल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल, तो एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फोर्स निकाल लो. और मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, करंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. करंट कितना निकाला आपने सर, करंट आपने निकाला बी एल वी डिवाइडेड बाय आर इंटू एल इंटू बी. तो आपका जो मैग्नेटिक एक्सटर्नल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन दिस वायर टू मेक इट मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. हो गया सबसे, अच्छा इसी में अगर आपसे मैं पूछ लूं कि व्हाट विल बी द पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, पावर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे पावर. तो अगर आपसे पावर बोला जाए ना, पावर बेटा, तो पावर बराबर क्या होता है, पावर याद करिए V इंटू आई या E इंटू आई जो भी कह लें, वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दो तो पावर आ जाता है. फिर से सुनो, वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा. तो इसको आप क्या लिखेंगे, बी एल वी, और करंट को क्या लिखेंगे, बी एल वी डिवाइडेड बाय आर. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. दिस इज द पावर दैट विल बी डिलीवर्ड बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स. इस वैल्यू को भी नोट करिए. Done, sir. ठीक है. Next. ये मान लीजिए फिर से U-shaped frame है. ये NCERT का solved example है, but अच्छा example है. इसको करते हैं. ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मूवेबल पार्ट है, ये मूवेबल पार्ट है PQ. इस मूवेबल पार्ट की जो लेंथ है वो L है. मैग्नेटिक फील्ड डॉट 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 मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज B, ठीक है. यहां पर
यहां पर x इज इक्वल टू जीरो, यहां पर x इज इक्वल टू बी, और इसमें ये मान लीजिए x इज इक्वल टू टू बी, रेजिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू आर ओम है, PQ का जो रेजिस्टेंस है वो आर ओम है, अभी मैग्नेटिक फील्ड इज बी एंड दैट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। अभी सवाल को बहुत अच्छे से समझना, पहले सुनना फिर मैं लिखवा दूंगा, पहले आप सुने। सर इसमें आपसे कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट फॉर द लूप, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू बी। मैग्नेटिक फील्ड कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू जीरो से लेके x इज इक्वल टू बी तक क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो x इज इक्वल टू जीरो से लेके x इज इक्वल टू बी तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और x इज इक्वल टू बी से लेके x इज इक्वल टू टू बी तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू जीरो से लेके x इज इक्वल टू बी तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और x इज इक्वल टू बी से x इज इक्वल टू टू बी तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। x इज इक्वल टू बी टू बी तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब आपसे बोला जा रहा है कि वी स्टार्ट मूविंग दिस वायर PQ, इस PQ को हमने मूव कराना शुरू किया, एंड वी हैव स्टार्टेड मूविंग इट फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू बी, देन फ्रॉम x इज इक्वल टू बी टू x इज इक्वल टू टू बी, एंड देन बैक फ्रॉम x इज इक्वल टू टू बी टूवर्ड्स x इज इक्वल टू जीरो। अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले सुने। इस वायर को हमने कहां से स्टार्ट किया मूव कराना, तो दिस वायर PQ इज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कराया हमने, तो x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू बी तक मूव कराया, फिर x इज इक्वल टू बी से टू बी तक गए, फिर टू बी से हम वापस आ रहे हैं कहां पर, तो टू बी से हम वापस आ रहे हैं बेटा जीरो तक। अब इस पूरे प्रोसेस में आपको बताना है कि फ्लक्स की वैल्यू इस लूप में कितना इंड्यूस होगी, ठीक है। उस फ्लक्स को आपको ड्रॉ करना है विद द डिस्टेंस। दूसरा इसी तरह से आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द ईएमएफ दैट विल इंड्यूस, और उस ईएमएफ को आपको ड्रॉ करना है विद द डिस्टेंस। इसी तरह से आपको बताना है करंट की वैल्यू क्या होगी और उस करंट को ड्रॉ करना है विद द डिस्टेंस, ठीक है। तो लिखिए जो मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन। वायर PQ हैविंग रेजिस्टेंस R ओम, वायर PQ हैविंग रेजिस्टेंस R ओम, वायर PQ हैविंग रेजिस्टेंस R ओम इज बीइंग मूव्ड फ्रॉम where PQ having resistance R ohm is being moved from x is equal to 0 to x is equal to 2b, x is equal to 0 to x is equal to 2b, x is equal to 0 to x is equal to 2b, and then back to x is equal to 2 0, x is equal to 0 to x is equal to 2b, and then back to x is equal to 0. Likh liya? Yes, sir. Find flux, EMF, and current induced. Find flux, EMF, and current induced, and also draw its graph with the distance. And also draw its graph with the distance. हो गया? Yes, sir. अब देखिए पहली बात तो आप लोग ये समझिए कि फ्लक्स जब आप लिखते हैं आ
फलक जब आप लोग लिखते हैं तो फलक्स में आप लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया, फलक्स फलक्स का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो फलक्स आप लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया इंटू कॉस थीटा, यही तो लिखते हैं ना फलक्स, फलक्स की वैल्यू आप यही लिखते हैं राइट। अब इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि जो जी कोई कुछ कह रहा है ना बेटा, फलक्स में एक बात पहली बात आपको समझनी पड़ेगी और वो पहली बात क्या है जो आपको समझना चाहिए कि जब आप ये एरिया लिखते हैं तो एरिया का मतलब होता है बेटा वो एरिया ऑफ द लूप जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। फिर से सुने, एरिया का मतलब वो एरिया ऑफ द लूप जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, पास कर रही है। नहीं समझ आ रहा? अगर मान लो कि जैसे मैं आपसे कहूं, एक बात सुनो, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये कोई लूप है और इसके इतने ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब आप फ्लक्स लिखेंगे तो उस फ्लक्स में मान लो इसकी पूरी एरिया ए है और बट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ए बाई टू में है, तो जब आप फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स आप क्या लिखेंगे, फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड इनटू ए लिखेंगे या मैग्नेटिक फील्ड इनटू ए बाई टू लिखेंगे? सर ए बाई टू। सर ए बाई टू। सबको समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्लक्स में जो एरिया लिखी जाती है वो एरिया होती है विच इज इंटरसेप्टेड बाई द मैग्नेटिक फील्ड। फिर से सुन लें, फ्लक्स में जब आप एरिया लिखते हैं तो वो एरिया लिखते हैं विच इज बीइंग इंटरसेप्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इंटरसेप्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है वो एरिया जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। यू हैव टू राइट दैट एरिया, नॉट द होल एरिया। पूरी एरिया नहीं लिखना, वो एरिया लिखना है जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। अब इस बात को ध्यान से समझो, इस सवाल को अच्छे से समझो। जी सर, अगर आपका ये वायर आप मूव करा रहे हैं x इक्वल टू जीरो से आगे की तरफ, तो x मान लो किसी भी टाइम पे ये x पे है, मान लो किसी भी टाइम पे ये डिस्टेंस x है, तो इस इंस्टेंट पे किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम टी जब ये डिस्टेंस x पे है फ्रॉम ओरिजिन, ये कहां पर है बेटा, x डिस्टेंस पे है, तो इस केस में एरिया क्या होगा इस पार्ट ऑफ द लूप का जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, व्हाट वुड बी दैट एरिया? एनीबॉडी? भाई सबकी आवाज नहीं आ रही है, मैं इस हालत में भी आवाज निकाल रहा हूँ और आप लोग नहीं निकाल रहे बेटे। फिर से सुनो, ये एल है और ये कितना है, एक्स है, तो द एरिया ऑफ द लूप थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग, वो आपको नहीं लगता एल इंटू एक्स है? भाई सारे बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो किसी भी स्टैंड पे एरिया को मैं लिख सकता हूँ एल इंटू एक्स, तो किसी भी इंस्टेंट पे इस इंस्टेंट पे फ्लक्स की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ बी एल एक्स। अब समझिएगा बेटा, जैसे जैसे ये वायर मूव करेगा x विल चेंज और विल रिमेन सेम, व्हाट डू यू से? x will change, very good. तो x अगर चेंज हो रहा है बेटा, तो x अगर चेंज हो रहा है तो एरिया भी चेंज हो रही है, तो इस x में अगर आप देखें तो x इंक्रीज होगा, तो x जब इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, और उस फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स की तब होगी जब ये एरिया हो जाएगी एल इंटू बी। अब कोई बच्चा डाउट करता है, यहाँ पर डाउट लाता है कि भाई सर ये तो टू बी तक मूव कर सकता है, तो फिर जब आप ये लिख रहे हो तो आपने ये सिर्फ यहां तक क्यों लिखा? फिर से समझिए मेरा डाउट। भाई बच्चा पूछता है कि सर ये तो टू बी तक जा सकता है ना, तो एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट कैन बी इक्वल टू टू बी। हाँ, 2B तक भले चला जाए, B से लेके 2B तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ऐसा एरिया बढ़ाते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अंटिल यू डोंट हैव मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी नो फ्लक्स। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब समझिए, फिर से ध्यान से सुनिए, मतलब आप जब x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू बी तक आ रहे हैं तब तक तो आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, एंड दिस फ्लक्स इज इंक्रीजिंग एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फ्लक्स इज बी एल बी। जब आप B से 2B तक जाएंगे तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा मेरे बच्चों, B से 2B तक जाएंगे तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आई बात? फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट, x इज इक्वल टू B से लेके x इज इक्वल टू 2B तक अगर आपसे कोई बोले फ्लक्स की वैल्यू बताओ तो फ्लक्स की वैल्यू यही रह जाएगी, बी एल बी रह जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आपसे कोई बोले कि सर फ्रॉम, फिर आप वापस लाना है, तो जब आप वापस ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2B से x इज इक्वल टू बी तक आप वापस ले जाइए तो भी फ्लक्स में कोई चेंज बोलो बच्चों नहीं आएगा सर, तो भी फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना? फ्लक्स में चेंज कब आना शुरू होगा? अच्छा, ये पहले इंक्रीज कर रहा था, याद रहे, पहले जब हम वायर को
राइट की तरफ मूव करा रहे हैं तो फ्लक्स विल बी इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज इंक्रीज करते करते तभी तो मैक्सिमम हुआ। फिर जब आप एक्स इज इक्वल टू बी से एक्स इज इक्वल टू जीरो की तरफ जाएंगे तो फ्लक्स विल डिक्रीज, फ्लक्स विल डिक्रीज, और फाइनली एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे पहुंच जाएंगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब पहले फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है लीनियरली, और वो तब तक इंक्रीज कर रहा है जब तक आप बी पे नहीं पहुंच गए, फिर बी से टू बी तक में फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बी से टू बी तक में फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द लूप इंक्रीज नहीं हो रही है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आप फिर टू बी से बी तक जाएंगे, फिर से मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप फाइनली क्या करेंगे, जब आप फाइनली फिर बी से जीरो की तरफ जाएंगे, तो अब आप कहेंगे कि द एरिया जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग, वो एरिया फिर स्टार्ट, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंड बिकॉज दैट एरिया विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, हेंस आपका फ्लक्स क्या करने लगेगा, फ्लक्स डिक्रीज करने लगेगा। तो पहले लीनियरली इंक्रीज हुआ, फिर कॉन्स्टेंट हो गया, फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगा, तो फ्लक्स वर्सेज एक्स। तो आप देखिए पहले इंक्रीज होते 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 कब तक इंक्रीज हुआ, जब तक आपका एक्स इज इक्वल टू बी नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्लक्स कॉन्स्टेंट हो गया, कब तक, एक्स इज इक्वल टू बी पे, टू बी फिर तक कॉन्स्टेंट रहा, फिर जब आप इसको वापस लाओगे तब भी ये कॉन्स्टेंट रहा, ठीक है। बस एक ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू बी, टू बी से फिर एक्स इज इक्वल टू बी तक ये क्या रहा, कॉन्स्टेंट रहा। उसके बाद ये फ्लक्स क्या करने लगा, फ्लक्स फिर डिक्रीज करके फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। तो दिस इज हाउ द फ्लक्स विल चेंज, दिस इज हाउ द फ्लक्स और द ग्राफ ऑफ द फ्लक्स विल बी ड्रॉन। आप लोग इसको नोट करिए, आई विल बी बैक इन अ मिनट। आप लोग ये पूरा डन सर। नोट कर रहे हैं सर आप लोग, ठीक है। अगर ये नोट कर लिया तो अब आप लोग अपना दिमाग लगाइए और मुझे ईएमएफ की वैल्यू बताइए, ये ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, कब इंड्यूस होगी, कब इंड्यूस नहीं होगी, ये मुझे बताइए आप लोग। ये नोट कर लिया आप लोगों ने तो मुझे ईएमएफ के बारे में बताइए, ईएमएफ कहां से कहां तक जाएगी, जाएगा वायर तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो एक्स बी तक, जीरो से बी तक, वेरी गुड, जीरो से बी तक ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिकॉज जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब चेंज ऑफ फ्लक्स विल स्टॉप या फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा तो ईएमएफ का इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा, है ना, वेरी गुड। तो सर ईएमएफ फ्लक्स कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, तो हमने बोला कि फ्लक्स चेंज हो रहा है फ्रॉम जीरो से बी तक, बिकॉज फ्लक्स इज चेंजिंग फ्रॉम जीरो से बी, तो इसका मतलब है ईएमएफ विल इंड्यूस व्हेन द वायर विल बी मूव्ड फ्रॉम जीरो से बी। तो वो ईएमएफ देखो, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू बी ईएमएफ इंड्यूस होगा,
एंड व्हाट विल बी दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड और वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड. तो ईएमएफ इंड्यूस्ड बराबर लिखा जाता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ कितना, तो फाई की वैल्यू आपने बोला कि बी एल एक्स होगा. अच्छा ये मत कहना कि सर बी एल बी क्यों नहीं लिखा, मैं किसी भी रीजन में लिख रहा हूँ क्योंकि जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी ना आएगी. तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पे इसका फ्लक्स की वैल्यू बी एल एक्स है और वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है फ्रॉम जीरो से बी. तो ई एम एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, माइनस ऑफ बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी. डी एक्स बाई डी टी को हम वेलोसिटी कह सकते हैं या नहीं बच्चों? Yes, sir. तो ये माइनस ऑफ बी एल वी हो गया. अब जब सर आप फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू बी से एक्स इज इक्वल टू टू बी तक देखिए, बिकॉज यहां से यहां तक फ्लक्स कॉन्स्टेंट है, इस पूरे रीजन में बी से टू बी तक फ्लक्स कॉन्स्टेंट है. तो फ्लक्स कॉन्स्टेंट है तो ई एम एफ इंड्यूस भी कितना होगा, जीरो होगा. फिर जब आप बेटा टू बी से फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू टू बी से आप बी तक आएंगे, एक्स इज इक्वल टू बी तक, तो फिर से क्या कहेंगे आप, अगेन यू विल क्लेम दैट कि फ्लक्स इज कॉन्स्टेंट. तो फ्लक्स कॉन्स्टेंट है तो ई एम एफ की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, जीरो. ठीक है, अब फाइनली जब आप फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू बी से एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जाएंगे तो फिर से फ्लक्स चेंज हो रहा है और फ्लक्स फिर से ऐसे ही चेंज हो रहा है बी एल एक्स, तो ई एम एफ जो इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू बी एल बी. ठीक है, समझ रहे हैं आप, माइनस ऑफ बी एल बी. अब एक बात सोचो कि पहली बार जब आप वायर को राइट की तरफ मूव करा रहे थे तो जो ई एम एफ की डायरेक्शन होगी और जब आप वापस ला रहे हो तो जो ई एम एफ की डायरेक्शन होगी क्या सेम होगी या ऑपोजिट होगी, सोच के देखो. पहले ऑपोजिट होगी ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू टू बी तक ले जाने में आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी दैट वाज टुवर्ड्स राइट और राइट की तरफ थी, और जब आप टू बी से वापस आ रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट. तो वेलोसिटी हो गया आपका टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ऑब्वियस ही बात है कि राइट की तरफ ले जाने में जो डायरेक्शन होगा करंट का और लेफ्ट की तरफ लाने में जो डायरेक्शन होगा वो सेम तो नहीं होगा. ऑब्वियसली दैट विल बी अपोजिट. भाई आपके थंब की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो सेंटर फिंगर की डायरेक्शन भी अल्टीमेटली अपोजिट हो जाएगी बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है. इसको मैं माइनस कर देता हूँ. ठीक है, दो बार माइनस क्यों लगाए, एक तो माइनस ये लगाया माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी वाला, और दूसरी बार माइनस क्यों लगाया मैंने कि पहले बार के रेस्पेक्ट में दूसरे बार की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ बी एल वी. मान लीजिए, समझ आया आप लोगों को? तो अगर आप इसका इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप ई एम एफ वर्सेज एक्स पे प्लॉट करेंगे आप तो क्या लिखेंगे, ई एम एफ वर्सेज एक्स. अब देखिए इसमें पहले आपका मोशनल ई एम एफ इंड्यूस हुआ है और पहले उसको मैंने माइनस लिया है और वो कांस्टेंट रहेगा फ्रॉम जीरो से बी तक. ई एम एफ जो इंड्यूस हुआ वो कांस्टेंट रहेगा, ये रहा. फिर उसके बाद क्या हो गया, ये जीरो हो गया. देखो उसके बाद ये जीरो हो गया, कब तक जीरो हो गया, तो इट विल बी जीरो फ्रॉम बी से टू बी और फिर बैक टू टू बी से बी, और उसके बाद फिर इंड्यूस हुआ और कॉन्स्टेंट है बट उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट. तो ये देखो x इज इक्वल टू ये b तक आप पहुंच गए, यहाँ पर x इज इक्वल टू टू बी तक आ गए, यहाँ पर फिर x इज इक्वल टू बी पे वापस चले गए और फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो की तरफ चले गए. तो दिस इज हाउ ई एम एफ वर्सेज x विल बी ड्रॉ. ठीक है, तो जो ईएमएफ के लिए होगा बेटा वही करंट के लिए भी तो होगा. ईएमएफ और करंट में बस डिफरेंस किसका है, ईएमएफ में बीएलवी है, जब करंट आएगा तो उसमें क्या कर दीजिए, बीएलवी डिवाइडेड बाय आर कर दीजिए. समझे आप? चलिए सर आगे बढ़ते हैं. तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे ये. अब आगे चलते हैं सर. तो हमने दो तरह के ईएमएफ पे बात कर ली सर, एक तो फैराडेज ईएमएफ और दूसरा ईएमएफ कौन सा ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ. ये दो तरह के ईएमएफ पे हमारा डिस्कशन हो गया है.
अब हम आते हैं कुछ और चीजों पर जिसका नाम है, टॉपिक डालिए सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, ठीक है सर, सेल्फ इंडक्शन। अब देखो सेल्फ इंडक्शन का क्या मतलब है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन को पहले आप समझिए कि मान लीजिए सर आप कोई भी एक लूप ले लें, कोई भी क्वाइल ले लें या लूप ले लें, कंडक्टिंग लूप, और इसमें आप करंट पास कराइए। सर अगर करंट कांस्टेंट है तो इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी कांस्टेंट होगी, क्या बोलते बच्चों? अगर आपका करंट कांस्टेंट है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट वो भी कांस्टेंट होगी ना बेटा? यस सर। ठीक है, करंट कांस्टेंट तो वो भी कांस्टेंट। अब आप मान लो कि इसमें करंट वेरिएबल हो जाए, करंट वेरी करने लगे, वेरिएबल करंट आपने पास किया। तो अगर वेरिएबल करंट आपने पास किया तो सर इस केस में क्या होगा, व्हेन यू मेक द वेरिएबल करंट पास थ्रू द कॉइल, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कांस्टेंट रहेगी या चेंज होगी? सर चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली चेंज होगी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब आप कांस्टेंट करंट पास कर रहे थे तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी इन द कॉइल और इन द कोर ऑफ द कॉइल वो भी कांस्टेंट थी, तो मतलब यह था कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है इसका मतलब है कि देयर इज नो चेंज ऑफ फ्लक्स, तो हेंस द ईएमएफ इंड्यूस विल बी इक्वल टू जीरो। बट द मोमेंट यू स्टार्टेड वेरिंग द करंट, करंट को जैसे ही आप वेरी करना शुरू कर देंगे तो करंट को वेरी करते ही के साथ क्या होगा सर, तो करंट को वेरी करते ही के साथ, करंट को आप वेरी करते ही के साथ क्या होगा, तो करंट को वेरी करते ही के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या चेंज होगा सर, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो सर ईएमएफ इंड्यूस होगा। आई बात समझ में? तो ये जो ईएमएफ का इंडक्शन हो रहा है खुद क्वाइल में उसके खुद अपने करंट के कारण, ड्यू टू इट्स ओन करंट, व्हेन द वेरिंग करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल, जब एक वेरिंग करंट उस कॉइल के थ्रू पास किया गया तो जो इसमें इंडक्शन हो रहा है ईएमएफ का बिकॉज ऑफ दिस वेरिंग करंट, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या नाम देते हैं इसको बेटा, सेल्फ इंडक्शन। समझ में आई बात? तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब है इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन अ कॉइल बाई वेरिंग करंट और बाई मेकिंग अ वेरिंग करंट पास थ्रू द कॉइल इज बेसिकली कॉल्ड अ सेल्फ इंडक्शन। तो लिखिए सर जो मैं लिखा रहा हूं, द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ the production of EMF in a circuit when the magnetic flux linked with the circuit, the production of EMF in a circuit When the magnetic flux linked with the circuit changes, as a result of change in current, as a result of change in current in that circuit. As a result of change in current in that circuit is known as self induction. लिख लिया? As a result of change in current in that circuit is known as self induction.
लिख लिया सबने? यस सर। देखिए सर, मतलब इसमें जो सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस हो रहा है वो कब इंड्यूस होगा? व्हेन द वेरिंग करंट इज पास और इज मेड टू पास थ्रू द क्वाइल और द सर्किट। तो जब भी आप किसी भी क्वाइल या सर्किट में एक वेरिंग करंट, मतलब बदलता हुआ करंट जो कि कांस्टेंट नहीं है, अगर वो ऐसा करंट आप पास करेंगे किसी भी सर्किट में तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसी ईएमएफ को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इस प्रोसेस को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब है खुद से ईएमएफ का इंड्यूस होना। और खुद से ईएमएफ कब इंड्यूस होगा? जब एक वेरिंग करंट उसके थ्रू पास करेंगे आप। कैसा करंट पास करेंगे सर? वेरिंग करंट पास करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस केस में जो आपका फ्लक्स होता है वो फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? तो सर करंट पे। देखो एक्चुअली में इट इज विदाउट एनी डाउट फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। बट फ्लक्स के चेंज का कॉस कौन बनेगा? करंट बनेगा, बिकॉज मोर द करंट विल बी चेंज मोर विल बी द चेंज इन द फ्लक्स। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है या फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका एक्चुअल कॉज क्या है? तो द एक्चुअल कॉज फॉर दैट इज द करंट। तो इस केस में हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन के केस में कि जो ये फ्लक्स है क्वाइल का, दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। फ्लक्स इससे प्रोपोर्शनल है तो फ्लक्स करंट से प्रोपोर्शनल है। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो फ्लक्स करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स कैन बी रिटन एज इक्वल टू एल इंटू आई, वेयर एल इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। इसका अपना एक मतलब है, वो अभी मैं लिखूंगा। तो इस केस में फ्लक्स कैन बी रिटन एज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज कॉल्ड एज कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का जो कोएफिशिएंट है उसको, वो एल है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट इसकी होती है, एसआई यूनिट इज हेनरी। एसआई यूनिट होती है हेनरी, कैपिटल एच से आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसको फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल को हम क्या लिख सकते हैं? एल को हम लिख सकते हैं फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये एक बात याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाइल इटसेल्फ। कि किसी भी क्वाइल की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि उसके थ्रू जब भी आप करंट को पास करेंगे, व्हेनेवर अ वेरिंग करंट इज मेड टू पास थ्रू इट, तो उसमें हमेशा सेल्फ इंडक्शन होगा। एंड जिस प्रॉपर्टी के कारण होगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिंपली कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। नोट कर, डन सर। एल इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय क्या हो गया? तो एल इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। तो इस केस में ईएमएफ अगर आप लिखेंगे तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है। तो डी फाई बाई डी टी की जगह यहाँ पर क्या लिखिएगा? माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू आई, ठीक है। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्वाइल व्हेनेवर या सर्किट व्हेनेवर अ वेरिंग करंट इज मेड टू पास थ्रू द सर्किट। Done, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ दिखा दीजिए। Done, sir. इसके बाद लिखिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। Coefficient of self-inductance of solenoid.
अब ये जो सोलेनोइड है उसका हम कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को फाइंड करेंगे. मैंने आपसे बोला ना कोफिशियंट ऑफ जो ये इंडक्टेंस है या सेल्फ इंडक्टेंस है इसके बारे में मैंने आपसे क्या बोला है. तो इसके बारे में सर मैंने आपसे ये बोला है कि भाई ये प्रॉपर्टी है. किसकी प्रॉपर्टी है? ये कॉइल की प्रॉपर्टी है. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल इटसेल्फ, राइट. ठीक है, कॉइल की ये प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस होता है. एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. अब हम बात कर रहे हैं सर म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड पे. सोलेनोइड अगर मान लीजिए कि ये सोलेनोइड है, ऑब्वियसली सोलेनोइड में बहुत सारे टर्न्स होंगे. तो मान लीजिए ये आपका सोलेनोइड है और इसमें आपने करंट फ्लो करा दिया. एंड लेट अस से द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनोइड इज वेरिएबल करंट. ऑब्वियसली करंट जब तक वेरी नहीं करेगा तब तक कोई इंडक्शन नहीं होगा या सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा. तो आप मान लीजिए ये कॉइल है आपका या सोलेनोइड है आपका और मान लो कि इसमें एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. एन क्या चीज है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है आपका वो ये यहाँ पर स्मॉल एन है, ठीक है. और मान लीजिए कि R इज रेडियस ऑफ ईच टर्न. R क्या चीज है यहाँ पर? रेडियस ऑफ ईच टर्न. हर टर्न का जो रेडियस है ईच टर्न वो R है, ठीक है. ये आप मान लीजिए L मान लेते हैं लेंथ ऑफ सोलेनोइड. लेंथ ऑफ सोलेनोइड है ये, लेंथ ऑफ वायर विच इज मेकिंग दिस सोलेनोइड वो लेंथ नहीं है ये सिंपली लेंथ ऑफ सोलेनोइड. लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है, ये लेंथ ऑफ सोलेनोइड है. अब देखो बेटा कि जब आप इसके थ्रू करंट पास करोगे तो करंट पास करोगे तो क्या होएगा? तो जब आप इसके थ्रू करंट पास करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फ्लक्स आएगा, ठीक है. एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दैट फ्लक्स? तो अगर हम किसी भी एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स लिखें, आपको एक बात मालूम है कि जब भी आप किसी भी सोलेनोइड से करंट फ्लो कराते हो तो उस केस में क्या होता है, सोलेनोइड के अंदर एक कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू एन इंटू आई. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी सर? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई. मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू कितना? म्यू नॉट एन इंटू आई. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा. व्हाट वुड बी दैट मैग्नेटिक फ्लक्स? मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स तो होगा. एंड बिकॉज दिस करंट इज वेरिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू दिस करंट. और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो फ्लक्स भी वेरी करेगा. नहीं आया? मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करेगी तो फ्लक्स भी क्या करेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो फ्लक्स भी वेरी करेगा. और उस फ्लक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? तो फ्लक्स को हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया. तो एक टर्न का अगर मुझे लिखना हो तो एक टर्न के फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर. अब आप एक बात सोचो कि ये पाई आर स्क्वायर आई हैव टेकन द एरिया ऑफ अ सिंगल टर्न. तो ये एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स है. बट आपको एट द सेम टाइम आपको ये मालूम है कि इसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे. देयर विल बी n number of turns, क्योंकि आपको दिख रहा है कि there are a small n is the number of turns per unit length, तो total number of turns बहुत सारे हैं इसमें. तो ये तो एक का फ्लक्स है ना. तो अगर मुझे total flux लिखना हो, net flux of the solenoid, net flux, तो net flux क्या लिखा जाएगा? तो flux net will be written as एक turn का flux which is mu not n into I into pi r square. और इस पूरे एक turn के flux को किससे multiply कर दो? जितने भी turns हैं उन turns से आप इसको multiply कर दो. तो कितने टर्न्स होंगे? तो देखो स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया गया था कि स्मॉल एन को हम लिख सकते हैं कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल. कैपिटल एन क्या चीज है यहाँ पर? तो कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और एल क्या चीज है यहाँ पर? तो एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड. तो यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विल बी इक्वल टू व्हाट? एन इंटू एल लिखा जा सकता है. तो यहां पर लिख दीजिए एन इंटू एल. तो फ्लक्स नेट की वैल्यू क्या होगी? फ्लक्स नेट की वैल्यू होगी म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल. ये आपकी नेट फ्लक्स हो गया. हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. क्या निकालना था? तो हमें निकालना था कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. वो क्या होगा? तो वो होगा फ्लक्स डिवाइडेड बाई करेंट. इसका मतलब ये क्या होगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई वॉट? डिवाइडेड बाई करेंट. तो करेंट से करेंट कैंसिल हो गया तो कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल. कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की ये वैल्यू होगी. दिस इज द वैल्यू ऑफ द कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर द सोलेनोइड. नोट करें सर इसको भी.
सबने लिख लिया भाई? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालिए म्यूचुअल इंडक्शन। इस सब पे सवाल आगे हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड आ जाता है म्यूचुअल इंडक्शन उसी के आगे, तो इसलिए पहले इस पे बात कर लेते हैं इन पे भी, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे सर। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब है सर? तो पहले तो आप समझिए म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं किसको। सेल्फ इंडक्शन में वी हैड ओनली वन कॉइल एंड इन दैट कॉइल वी पास्ड अ वेरिंग करंट, मतलब एक वेरिंग करंट हमने उस कॉइल से पास किया, और हमने सेल्फ इंडक्शन में ये बोला कि जब भी हम कोई वेरिंग करंट पास करेंगे थ्रू अ कॉइल तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एंड दिस फिनोमेना या दिस प्रोसेस वाज कॉल्ड एज द सेल्फ इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन में ये होता है कि भाई ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, इस कॉइल को आप ऐसे समझो कि ये एक कॉइल है ऐसे, सॉरी ये एक कॉइल है, और इसके नेबर में या इसके पास हमने एक दूसरा कॉइल रख दिया। ठीक है, ये दूसरा कॉइल रख दिया, ये कॉइल वन है, ये कॉइल टू है, ऐसा समझिए। और इस कॉइल में हमने करंट पास कर दिया, लेट से करंट आई वन, एंड दिस करंट इज वेरिंग करंट। कैसा करंट है ये? वेरिंग करंट है। तो जब हम इसमें वेरिंग करंट पास करेंगे तो बेटे होगा क्या कि द मोमेंट वी विल मेक अ वेरिंग करंट पास थ्रू द कॉइल वन, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो दूसरा वाला कॉइल, बिकॉज इट इज केप्ट इन द नेबर ऑफ द फर्स्ट कॉइल, तो सम ऑफ द फील्ड लाइंस विल कंटिन्यू टू पास थ्रू द नेबर कॉइल, मतलब ये जो नेबरिंग कॉइल है इसके थ्रू फील्ड लाइंस पास होंगी। ठीक है, इस नेबरिंग कॉइल के थ्रू भी क्या होगा? फील्ड लाइंस पास होगी। अब बिकॉज कॉइल वन में क्या हो रहा है? कॉइल वन में करंट चेंज हो रहा है, तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो रही है। और जब कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, करंट चेंज हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल टू से पास हो रही है वो भी चेंज होगी। भाई कॉइल टू से जो पास हो रही है वो भी क्या होगी? वो भी फील्ड लाइंस चेंज होगी। तो जब ये भी फील्ड लाइंस चेंज होगी तो इसका मतलब है कॉइल टू में फ्लक्स का चेंज आएगा बिकॉज ऑफ कॉइल वन, और जब कॉइल टू में फ्लक्स का चेंज आएगा कॉइल वन के कारण, ड्यू टू कॉइल वन, तो इसके वजह से होगा क्या कि इस कॉइल टू में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ रहे हो? कॉइल टू में ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है? तो कॉइल टू में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द कॉइल वन। और कब इंड्यूस हो रहा है? जब कॉइल वन में आपने वेरिंग करंट पास किया है। तो ये जो फिनोमेना है ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ वेरिंग करंट इज पास्ड थ्रू इट्स नेबरिंग कॉइल, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, इसी तरह से बेटा अगर मान लीजिए कि हमने इस कॉइल में भी करंट पास किया होता I2, एंड दिस करंट वुड आल्सो बी इन, मान लो कि वेरिंग करंट, अगर ये करंट भी वेरिंग करंट होता तो ड्यू टू कॉइल 2 देयर वुड हैव द म्यूचुअल इंडक्शन इन द कॉइल 1, तो क्या होता? तो इस कॉइल 2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फील्ड लाइंस किससे पास करती? कॉइल 1 से पास करती। कॉइल 2 की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किससे पास करती? कॉइल 1 से पास करती। तो कॉइल वन में भी म्यूचुअल इंडक्शन होता, और किसके कारण होता? तो म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल वन में होता बिकॉज ऑफ द कॉइल टू, जैसे कॉइल टू में हुआ है बिकॉज ऑफ द कॉइल वन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। देखो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में फर्क क्या है? तो सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी कॉइल, मतलब सेल्फ इंडक्शन में दूसरा कॉइल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन के केस में अगर आप एक वेरिंग करंट पास कर रहे हो थ्रू अ कॉइल, तो उस कॉइल के अंदर, अरे यार, तो उस कॉइल के अंदर क्या होगा? उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, भले उसके पास आप दूसरा कॉइल रखें मत रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, उस फिनोमेना को हमने सेल्फ इंडक्शन का नाम दिया था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो ये रहा है कि सर म्यूचुअल इंडक्शन होने के लिए कि जब एक कॉइल के पास, जब एक कॉइल के पास हमने दूसरा कॉइल रखा है, तो उस दूसरे वाले कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल, जब उसके थ्रू हम करंट पास कर रहे हैं, तो उस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहना। मतलब म्यूचुअल इंडक्शन होने के लिए दो कॉइल का होना जरूरी है भाई। ठीक है, अगर दो कॉइल नहीं होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन भी नहीं होगा, बट सेल्फ इंडक्शन तो हमेशा होगा। अब बच्चा एक डाउट ये करता है कि सर यहां पर जब आपने वेरिंग करंट पास किया तो आप ये तो कह रहे हो कि म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, लेकिन क्या इस इंस्टेंट पे क्या सेल्फ इंडक्शन भी होगा? तो यस,
जिस कॉइल में आपने वेरिंग करंट पास किया है उसमें सेल्फ इंडक्शन भी होगा, और उसके नेबरिंग में क्या होगा, उसके नेबरिंग में क्या होगा, उसके नेबरिंग में म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। बात समझ में आ गई? तो सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल विच विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है, बट म्यूचुअल इंडक्शन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, या सेल्फ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, इट मे और मे नॉट बी देयर, ठीक है। तो यहां पर दोनों हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन भी हो रहा है और म्यूचुअल इंडक्शन भी हो रहा है, बट अभी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल इंडक्शन, वी हैव टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल इंडक्शन, तो इसीलिए हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट कंसिडरिंग द सेल्फ इंडक्शन इन दिस केस। तो लिख लीजिए पहले म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, द फेनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, द फेनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, द फेनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल The phenomena of induction of EMF in a coil when a varying current is passed through its neighboring coil. The phenomena of induction of EMF in a coil when a varying current is passed through its neighboring coil. When a varying current is passed through its neighboring coil is known as mutual induction. When a varying current is passed through its neighboring coil is known as mutual induction. लिख लिया सबने? Yes, yes. अब देखिए सर, इसमें भी अगर आप कॉज अस्यूम करेंगे तो इसमें भी कॉज क्या है बेटा, तो फ्लक्स के चेंज होने का इनडायरेक्ट कॉज यहां पर भी क्या है, करंट है, ठीक है। जितना ज्यादा आप करंट किसी कॉइल में चेंज करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो नेबरिंग कॉइल में भी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी जो कॉज है वो क्या है, तो सर यहाँ पर भी जो कॉज है दैट इज द चेंज ऑफ करंट। अब देखिए सर, यहाँ पर भी कॉज आ गया चेंज ऑफ करंट, तो इसमें भी अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन में भी फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किससे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टू दैट ऑफ द करंट। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट, है ना। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है भाई करंट से, तो फ्लक्स को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स को हम लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन एम मल्टीप्लाइड बाई आई। वहां पर हमने लिखा था एल आई, यहाँ पर लिखा जाता है एम आई। एम आई भी क्या चीज हो गया, तो एम आई इज अगेन कोफिशियंट, और इस कोफिशियंट को हम कहते हैं कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी भी यूनिट अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, तो इसकी भी यूनिट होगी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज हेनरी। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी सर, इसकी भी एसआई यूनिट हेनरी होगी, एच, ठीक है, समझ में आई। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या लिख सकते हैं आप, फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट, ठीक है सर, फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट। अच्छा, इसमें एक बात याद रख सकते हो कि इसमें जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है टू में, दैट इज बिकॉज ऑफ वन। तो जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू का लिखेंगे ना, टू का ड्यू टू वन, तो हम लिखेंगे फ्लक्स इन टू डिवाइडेड बाय करंट इन वन। इस बात को याद रखना, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है सर टू में वो किस ड्यू टू विच करंट द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज टेकिंग प्लेस इन टू, तो हम कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन इन टू इज बिकॉज ऑफ द वन। तो इस टू में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके कारण है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द वन। तो हम लिखेंगे फ्लक्स ऑफ टू बट करंट किसका, तो करंट ऑफ वन। इसी तरह से अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन लिखा जाए ड्यू टू टू, इसका मतलब है वन ड्यू टू टू, इसका मतलब है टू ड्यू टू वन। तो इसमें क्या लिखेंगे, फ्लक्स ऑफ वन डिवाइड बाई कौन वाला करंट इसमें फ्लक्स के चेंज का कॉज बन रहा है, तो टू वाले का करंट, तो इसमें आप लिखेंगे आई टू, ठीक है सर, इसमें आप लिखेंगे आई टू।
लिख लिया सर? यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट लिख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। अब देखो जैसे वहां पर हमने सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट निकाला था फॉर अ सोलेनोइड, वैसे ही हम यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट निकालेंगे फॉर अ सोलेनोइड। तो इसके लिए आप ऐसा इमेजिन करिए कि ये आपका एक सोलेनोइड है, ये आपका सोलेनोइड है ऐसे, दिस इज वन ऑफ द सोलेनोइड, और इस सोलेनोइड पे आपने एक दूसरा सोलेनोइड ओवरलैप कर रखा है। ये दो सोलेनोइड है, दे आर कोएक्सियल सोलेनोइड्स, इस तरह से ये दो कोएक्सियल सोलेनोइड्स हैं, ये कोएक्सियल सोलेनोइड्स हैं दो, ये एक सोलेनोइड पे इस तरह से दूसरा सोलेनोइड ऐसा ओवरलैप कर रखा है। दोनों का एरिया सेम नहीं है, मतलब रेडियस ऑफ टर्न सेम नहीं है, ऑब्वियसली लाल वाले का टर्न ज्यादा बड़ा है और जो ब्लैक वाला है उसका टर्न छोटा है। इस डायग्राम को मैं अक्सर बच्चों को ऐसे भी दिखाता हूँ कि भाई ऐसे समझ लो कि ये जो अंदर वाला सोलेनोइड है इट इज वन ऑफ द सिलेंडर लाइक दिस, और ये जो बाहर वाला सोलेनोइड है, ये बाहर वाला सोलेनोइड वो इसका ऐसे है, कोएक्सियल दो सिलिंड्रिकल सोलेनोइड आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो ऐसे, ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लो, बोथ आर कोएक्सियल जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। दोनों की लेंथ अभी मैं फिलहाल सेम ले रहा हूं, लेट द लेंथ बी एल। मान लीजिए कि लाल वाले में जो करंट फ्लो कर रहा है लेट द करंट बी आई वन, ब्लैक वाले में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई टू है। लाल वाले का जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसको मान लो कि सोलेनोइड वन कह लेते हैं और ये जो ब्लैक वाला है उसको सोलेनोइड टू कह लेते हैं। तो सोलेनोइड वन एन वन मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वन है, और एन टू क्या है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ टू है, ऐसा मान लीजिए। आर वन इज द रेडियस ऑफ टर्न ऑफ वन मान लीजिए, और आर टू क्या चीज है मेरे बच्चों, रेडियस ऑफ टर्न ऑफ टू मान लीजिए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि दोनों में अगर मैं वेरिंग करंट पास करूं तो वन में जो फ्लक्स होगा उसका कॉज कौन होगा? देखो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लिख रहे हैं टू का करंट वन में, तो टू का करंट, तो फ्लक्स इन वन ड्यू टू टू, तो क्या लिखेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड जो हम वन में लिखेंगे वो किसका लिखेंगे? टू का, बिकॉज टू का जो मैग्नेटिक फील्ड है वही तो वन से पास हो रहा होगा जो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर सेल्फ इंडक्शन लिखते तो जो कॉयल है वो उसी का मैग्नेटिक फील्ड लिखते, बट म्यूचुअल इंडक्शन लिखेंगे तो जिसका मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगा म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हम उसको लिखेंगे। क्या मतलब सर? जैसे हम अगर वन का लिख रहे हैं तो वन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टू का लिखा जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एरिया किसका लिखेंगे आप? तो एरिया हमेशा याद रखिएगा, एरिया हमेशा वो एरिया लिखा, देखो वन का एरिया ज्यादा है और टू का एरिया कम है, तो एरिया हमेशा वो लिया जाता है जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही हो। देखो क्या मतलब, ये वन का एरिया है ये टू का एरिया है, बट टू का मैग्नेटिक फील्ड तो बस इतना ही रीजन में, नहीं ये बात सुनो, टू का मैग्नेटिक फील्ड वन के पूरे रीजन में होगा या सिर्फ इतने ही रीजन में होगा? क्योंकि टू का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टू का जो टर्न है उसी में तो लाई करेगा, तो वन का जितना एरिया टू के साथ ओवरलैप हो रहा है उसी में तो टू का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, बाकी एरिया में नहीं करेगा। यार नहीं आया? यस सर आ गया। बच्चों टू का एरिया चाहे आप जितना बड़ा बना दो उससे क्या फर्क पड़ता है, जितना बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, हमें तो वो एरिया चाहिए होता है जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, और वो एरिया जिसके थ्रू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पास होगी वो कौन सी एरिया होगी? तो जितना छोटे वाले की एरिया वही होगी। वैसे अगर इतनी बात नहीं समझ में आए तो जब भी इस तरह से दो कॉयल ओवरलैप्ड हो तो एरिया आप हमेशा छोटा वाला लीजिएगा, जब भी दो एरिया ओवरलैप्ड हो तो एरिया हमेशा कौन सा वाला लीजिएगा? छोटा वाला।
छोटी वाली एरिया, कोई दिक्कत कोई तकलीफ आप लोगों को? नो सर। ठीक है, तो इसका मतलब आप जब एरिया लिखेंगे यहाँ पर तो आप लिखेंगे पाई आर वन का स्क्वायर दोनों केस में। ठीक है, ये आ गया आपका, ये जो फ्लक्स आएगा वो कितने टर्न का होगा? सिर्फ एक टर्न का। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, फ्लक्स ऑफ वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन टू इंटू आई टू इंटू एरिया पाई आर वन का स्क्वायर। ये तो एक टर्न का फ्लक्स हुआ, तो फ्लक्स वन टू नेट क्या होगा? नेट फ्लक्स। तो टोटल टर्न से मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू नॉट इंटू आई टू पाई आर वन का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये सोलेनोइड वन में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा? तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन वन है मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ एल। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड वन ड्यू टू टू कितना होगा? तो दिस विल बी फ्लक्स ऑफ वन ड्यू टू टू डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय करंट किसका? तो जिसने उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस किया है उसका। और किसने ईएमएफ इंड्यूस किया है? तो दूसरे वाले सोलेनोइड ने इंड्यूस किया है। तो आप इस फ्लक्स को आई टू से डिवाइड करो तो क्या बच जाएगा? सिंपली यू विल बी लेफ्ट विद एन वन एन टू इंटू पाई आर वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये एक सोलेनोइड का निकाला है हमने। यस सर। नोट करिए इसको, तो दूसरे वाले का निकालते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। तो सर मुझे लॉजिक बता, वन का करेंगे तो क्या करेंगे आप मुझे बताइए। तो सॉरी वन का हो गया, अब टू का करें तो क्या करें बताइए बेटा। सर बी वन पाई आर स्क्वायर पाई आर वन स्क्वायर। वेरी गुड, एरिया वही रखेंगे जो छोटी वाली एरिया। तो फ्लक्स ऑफ टू ड्यू टू वन अगर आप लिखेंगे ये लिखा जाएगा म्यू नॉट इन वन आई वन मल्टीप्लाइड बाई पाई आर वन का स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक टर्न का फ्लक्स हुआ। तो नेट का फ्लक्स अगर हम लिखेंगे तो क्या करेंगे? तो जो जिसमें हम फ्लक्स लिख रहे हैं उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करिए। तो फ्लक्स इस बारी हम लिख रहे हैं टू में, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न टू का कितना होगा? एन टू इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई टू की लेंथ। तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे सर? यहाँ पर आपको करना यह है कि म्यूचुअल इंडक्शन वन टू, तो आप लिखेंगे फ्लक्स ऑफ टू ड्यू टू वन डिवाइडेड बाई करंट कौन सा? तो करंट, जो करंट उसको इंड्यूस कर रहा है, ये मैंने यहाँ पर नहीं हटाया, ये आई वन है। तो ये आई वन, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको फिर से वही रिजल्ट मिलेगा। देखिए एन वन एन टू इंटू पाई आर वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, मतलब एक कॉइल दूसरे कॉइल में जितना म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशियंट देगा उतना ही दूसरा वाला कॉइल पहले वाले कॉइल में कोफिशियंट और म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशियंट देगा। समझ में आई बात? मतलब कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन कॉइल इन अनदर कॉइल इज सेम एज दैट ऑफ अनदर कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल। मतलब यहां पर देखो एम वन टू और एम टू वन इक्वल है बेटा। ठीक है बच्चे, तो सर आज यही तक रहने दीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू सर।